जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना, मैं महालक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। और हम आपको लगातार अपनी एक सीक्वेंस दे रहे हैं 10 महाविद्याओं का, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन भी आ गए हैं, दीपावली का भी टाइम आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं सिद्धियाँ करना चाहते हैं 10 महाविद्या पे। मैंने आपको पहले तारा माँ के बारे में बताया था, तारा माँ पहले काली माँ के बारे में बताया, फिर तारा माँ के बारे में बताया था, षोडशी माँ के बारे में बताया, माता धूमावती के बारे में बताया, माता छिन्नमस्त माता के बारे में बताया, माता अब जो मैं बता रही हूँ त्रिपुर भैरवी के बारे में बता रही जा रही हूँ। माता त्रिपुर भैरवी की जो भी पूजा पाठ करता है उसका यश प्रवच जो होता है वो ब्रह्मांड में फैलता ही है। यदि आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप पूजा इनकी कर सकते हैं, यदि आपको कोई कष्ट सता रहा है तब भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं, यानी कि समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है माँ त्रिपुर भैरवी का पूजा। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो भी समस्या हो आपको आपको उसको अपने बताकर साथ में नाम भेज देना है। हाय हेलो मत लिखिएगा, सिर्फ अपना क्वेश्चन कीजिए। आपको जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी जवाब दूंगी। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ प्रश्न कीजिए व्हाट्सएप पे, उसी पे जवाब दूंगी। आज हम बात करें त्रिपुर भैरवी माता की, जो कि षोडशी, जो कि जो हमारी जो 10 महाविद्या हैं इसमें आती हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, छिन्नमस्त माता, इन 6 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज सातवीं जो है त्रिपुर भैरवी माता के बारे में बता रही हूँ। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, षोडशी माता के द्वारा आप किसी का भी प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं, भुवनेश्वरी माता से आप किसी 10 दिशाओं से पैसा ही पैसा यानी अरो मतलब खूब पैसा कमा सकते हैं, छप्पर फाड़ के पैसा आता है। और इसी तरह से मैंने धूमावती माता के बारे में बताया था कि यदि आपको लव मैरिज करानी हो या दो लोगों को अलग कराना हो तो धूमावती माता की साधना करनी है। और छिन्नमस्त माता के बारे में बताया था। आज मैं सातवीं माता यानी त्रिपुर भैरवी के बारे में बता रही हूँ, तो त्रिपुर भैरवी माता की पूजा के लिए भी बताऊँगी कि या तो आप इसको नवरात्र में कर लीजिएगा, नवरात्र में ना कर पाएँ तो आप किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णमासी से स्टार्ट कर लीजिएगा। मंत्र बहुत छोटा सा है, डेली 1100 बार जाप कर लीजिए, 500 बार जाप, जैसा आपको सही लगे। पहले आपको बता दूं कि करना कैसे है। आपको माता दुर्गा को ही छिन्नमस्त जो आपके घर में जो माता दुर्गा की या माता पार्वती की जो भी फोटो हो उसी को आप त्रिपुर भैरवी मान के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि त्रिपुर भैरवी और कोई नहीं, भगवान शिव की ही पत्नी है और ये सब माता दुर्गा के ही रूप हैं। तो त्रिपुर भैरवी माता उनका आपको ध्यान करना है, उनका पूजा पाठ करना है। कहते हैं जो भी त्रिपुर भैरवी माता का ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, इनके जो मंत्रों का उच्चारण करता है, समझ दिशाओं से नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा तो मिलता ही है, आकर्षण धन भी मिलती है, लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह करना है, अपना मनचाहित वर या वधु चाहिए तो वो भी मिलेगी, किसी का वशीकरण करना हो, किसी का उच्चाटन करना है, किसी शत्रु से परेशान आ गए हो वो करना है, तो सभी चीज़ों में ये काम करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, वैसे ही आपको हाथ में कच्चे चावल हल्दी में लगाकर बिना टूटे हुए लेने हैं और देवी का आह्वान करना है और देवी को बोलना है कि हे गणपति, आपकी साक्षी मन के देवी श्री त्रिपुर भैरवी माँ का पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा अमुक नाम है, अमुक गोत्र है, अमुक माता पिता या पति है और मेरी फला इच्छा है इसे पूर्ण करे, मेरे समस्त रोग दो शत्रुओं का नाश करें, मेरे सभी कलेश सभी पापों से मुझे मुक्त करें, मुझ पर कृपा करें, मेरे जीवन को खुशहाल बनाएं और मेरी जो मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिएगा, लव मैरिज है या दो लोगों को अलग कराना है, मिलाना है, जो भी काम करना है उसके लिए आप बोल सकते हैं। त्रिपुर भैरवी माँ के फिर मंत्रों का जाप करना है, उससे पहले आपको भगवान श्री गणपति का जाप करके उनको मनाना है, धूप दीप नैवेद्य पंचफल उनको पंचमिष्ठान पंचमेवा चढ़ा के फिर आपको बोलना है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 108 बार बोलकर फिर आपको त्रिपुर भैरवी माता का भी पंचोचार पूजा करके धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा के पंचमेवा चढ़ा कर उनको मीठा पान चढ़ा के फिर आपको माँ का बीज मंत्र जो है उसका जाप करना है। और ये जो बीज मंत्र है ये है हा सा का ला री हस कलरी, है ना छोटा सा मंत्र, तो हा सा का ला री 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 हा सा का ला री, इसका आपको 1100 बार मंत्र का जाप करना है। जाप की
मंत्र को निश्चित रखना, यदि आपने पहले दिन 1100 किए हैं तो आपको 9 दिन 1100 ही करने हैं। अगर आपने लव मैरिज के हिसाब से कर रहे हैं कि मेरी लव मैरिज फला व्यक्ति से हो जाए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपने पहले दिन में आपने 108 बार हा सा का लहरी किया है तो आप डेली 108 ही करोगे। अगर आपने गलती से किसी दिन 108 की जगह 324 कर दिया है तो फिर आपको 324 ही आगे करते रहना चाहिए। कम नहीं करने, बढ़ा सकते हैं, उतनी रखिए। अगर आपने किसी दिन 1100 बार ह स क ल र ई बोला है तो आप डेली निश्चित रूप से ह स क ल र ई 1100 बार ही बोलेंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। जाप में मंत्र कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है कि यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे ह स क ल र ई तो आपको त्रिपुर भैरवी माँ की कृपा मिलेगी, आपकी जो भी मनोरथ है वो पूरी होगी। उसके बाद उसका दशांश हवन भी करना है, उसके लिए हवन सामग्री लौंग, पीली सरसों और थोड़ी सी उसमें इलायची, ये सबको मिला के आप बना लीजिएगा। अगर आप 1100 बार मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको 108 आहुति देनी है, और अगर आप 11 मंत्रों का 108 मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आपको 11 आहुति देनी है। आहुति देने के लिए वही है, उपला कंडा गोबर का जो भी आता है गाय का, उसको सूखा हुआ उसको तोड़िए, उसमें घी अच्छी तरह मिलाइए, उस पर एक कपूर डालिए, आग लगाइए और हर मंत्र के बाद स्वाहा बोलकर आपको आहुति छोड़नी है। जैसे ह स क ल र ई स्वाहा, फिर आहुति दीजिए ह स क ल र ई स्वाहा, आहुति दीजिए। इस तरह से आपको माता त्रिपुर भैरवी की प्रार्थना करनी है। तो मनवांछित पति पाने के लिए या पत्नी पाने के लिए, अपने पति या प्रेमी या प्रेमिका से अपने आप को एक करने के लिए, यदि आपका तलाक का मैटर चल रहा है उसे हटाने के लिए, ब्रह्मांड की सारी खुशियां पाने के लिए, महावशीकरण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मन्नत रखिएगा, काम होगा। हर दिन भगवान गणेश की पूजा करके उसके बाद ही आपको त्रिपुर भैरवी की पूजा करनी है। तो ये छोटा सा है। तो आज मैंने 10 महाविद्या में सातवी देवी के बारे में आपको बताया है। मेरी 7 पूरी हो गई हैं और आपको अगर देखनी है तो आप मेरे और वीडियोस में देख सकते हैं, जिन जिन देवी देवताओं के बारे में मैंने बताया है 10 महाविद्या में, तो उसको आप करिएगा। नवरात्र पे कर लो या किसी भी पूर्णमासी से या किसी भी अमावस्या से स्टार्ट करके, जब तक आपका काम ना हो तब तक करते रहिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप